Assalamu alaikum dear students, welcome back once again to my YouTube channel. Today we are continuing the previous topic of class 9th. So far in this class 9th in unit 3rd, we had studied law of conservation of mass, law of definite proportion. Now question is, law of conservation of mass, inshallah I hope aapko samajh aa chuka hoga, and law of definite proportion, wo bhi aapko samajh aa chuka hoga. Now, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, ये है क्या, लॉ का मतलब क्या है, वो तो आपको समझ आ चुका है. नाउ क्वेश्चन इज, ये लॉ आया कहां से और आया कैसे. एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉ इज नेसेसरी. इस लॉ को एक्सप्लेन कैसे करें, इस लॉ को समझाए कैसे. लॉ है क्या, ये दो लॉ है क्या, वो तो आपको समझ आ चुके होंगे. नाउ ये लॉ आए कहां से और आए कैसे, इनकी एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है. वो एक्सप्लेनेशन किसने दी, एक साइंटिस्ट ने दी. वो साइंटिस्ट क्या था, वो इंग्लैंड में एक स्कूल टीचर था, फिर उसने साइंस में धीरे धीरे काम किए, फिर वो एक साइंटिस्ट बना. तो एक स्कूल टीचर से साइंटिस्ट बना, प्लस वो कलर ब्लाइंड था. अब इस साइंटिस्ट ने क्या किया, जो एंटोइन लेवाइजर और जेएल प्रोस्ट ने दो लॉ दिए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, उनको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी. वो आए कहां से और आए कैसे, वो एक्सप्लेन किया. लॉ है क्या, वो तो आपको उन दो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन करा है और मैंने भी आपको समझाया, लेकिन है क्या, उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या है, इस साइंटिस्ट ने दी. इस साइंटिस्ट ने इन 1808, ये जो स्कूल टीचर था, इसने इस इन लॉज की एक्सप्लेनेशन दी. तब तक एटॉमिक डिविजिबिलिटी मतलब ग्रीक फिलोसफर्स एंड इंडियन फिलोसफर्स, दैट महर्षि कर्णन एंड व्हाटसोएवर, जो हमने पहले टॉपिक में पढ़े थे इस यूनिट के, कि उन्होंने समझाया कि एटम जो है डिविजिबल है. एटम कैनॉट बी डिवाइडेड. ठीक है, उन्होंने क्या बताया, एटम की इनडिविजिबिलिटी बताई. सॉरी, उन्होंने एटॉमिक इंडिविजिबिलिटी समझाई. महर्षि कर्णन ने क्या बोला, मैटर और वगैरह जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है के बने हैं, जिसको हम एटम बोलते हैं. एटम को हम आगे तोड़ नहीं सकते. ये कंसेप्ट तब तक आ चुका था, एटॉमिक इंडिविजिबिलिटी का कंसेप्ट. सो इसी एटॉमिक इंडिविजिबिलिटी के कंसेप्ट को ध्यान में रख के 1808 में इस साइंटिस्ट ने, जो स्कूल टीचर था, फिर साइंटिस्ट बना और कलर ब्लाइंड भी था, इस साइंटिस्ट ने क्या किया, इसने उन दो लॉज की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ठीक, इसने अपनी एक थ्योरी बनाई, एटॉमिक थ्योरी. इस एटॉमिक थ्योरी के बेसिस पे इस साइंटिस्ट ने उन दो लॉज को एक्सप्लेन किया. तो इस साइंटिस्ट का नाम मेरे ख्याल से आपको जहन में आ चुका होगा, विंटर में भी मैंने आपको बोला, इस साइंटिस्ट का नाम था जेडी सर. जेडी सर मतलब जॉन डाल्टन. तो इसी जॉन डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी बनाई, उस थ्योरी के बेसिस पे उन दो लॉज को इसने एक्सप्लेन किया. तो ये थ्योरी किस बेस पे इसने बनाई, एटॉमिक इंडिविजिबिलिटी को जहन में रख के. तो इसने अपनी एक थ्योरी दी, उस थ्योरी का नाम पड़ा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. तो ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी, एटॉमिक इंडिविजिबिलिटी को जहन में रख के उसने एक थ्योरी बनाई, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. इसी थ्योरी के बेसिस पे उसने उन दो लॉज को एक्सप्लेन किया. नाउ ये थ्योरी है क्या, इसके मेन पॉइंट्स क्या है, इसके पोस्टुलेट्स क्या है, वो मैं पहले लिखता हूं, फिर आपको एक एक करके समझाता हूं. जब आपको ये मेन पॉइंट्स और पोस्टुलेट समझ आ जाएंगे, फिर हम आराम से उन दो लॉज को एक्सप्लेन कर पाएंगे. सो मैं इन दो लॉज को लिख लेता हूं. तो मेन पोस्टुलेट्स और मेन पॉइंट्स जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, वो मैंने लिखे यहां पे. नंबर फर्स्ट इज, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. जो हमने पहले भी पढ़ा है, मैटर जो है छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है, उनको हम एटम्स बोलते हैं. All matter is made up of small particles called atoms. ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है, उनको हम एटम्स बोलते हैं. ये हमें कैसे पता चलता है, मैटर को ब्रेक करेंगे, अल्टीमेटली आप एक स्टेज पे पहुंचोगे, उसके आगे आप इसको ब्रेक नहीं कर पाओगे, तो वो एटम है. दैट मीन मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. ऑल मैटर, दुनिया का कोई भी मैटर, कुछ भी, सब कुछ एटम्स का बना हुआ है. नंबर सेकेंड, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल. दो एलिमेंट्स में फॉर एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल लेता हूं ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन. चलो ये पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये मैं रब कर देता हूं. नाउ
मैं फॉर एग्जांपल दो एलिमेंट लेता हूँ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि ये बोलता है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, या मैं एक ही एलिमेंट लेता हूँ, इसी तरह आपको ज्यादा समझ आएगा। ऑक्सीजन आप एक एलिमेंट है, इसके मैं दो एटम अलग करूंगा, ये दो एटम उसका बना हुआ है। दैट मीन्स आप देखोगे ऑक्सीजन एलिमेंट है, ये दो एटम उसका बना है, ओ टू, एक ओ एंड दूसरा ओ। रूल क्या बोलता है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के दो एटम, एक ही एलिमेंट के दो एटम आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल मतलब सेम। तो ये किस हिसाब से सेम है, इनकी शेप भी सेम होगी, इनका साइज भी सेम होगा, इनका मास भी सेम होगा, और इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली एक ही एलिमेंट के एटम है। एलिमेंट क्या होता है, जब सेम काइंड ऑफ एटम, एक जैसे एटम मिलते हैं तब एलिमेंट बनता है। दैट मीन्स एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो भी सेम होंगे, ऑब्वियसली एक ही पिता के दो बच्चे, इनकी प्रॉपर्टी सेम ही होगी, सिंपल। नाउ इसी तरह यहां पे क्या है, नंबर थ्री है, रूल नंबर थ्री है वाइसी वर्सा। वाइसी वर्सा मतलब अपोजिट। फॉर एग्जांपल ये O2 है, ये H2 है, O2 का ऑक्सीजन एक एटम और हाइड्रोजन का एक एटम, ये कभी आइडेंटिकल नहीं होंगे। वाइसी वर्सा मतलब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, आर नॉट आइडेंटिकल। क्यों? क्योंकि अलग अलग एटम के अलग अलग एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, दो अलग अलग एलिमेंट है, इस एलिमेंट का एटम और इस एलिमेंट का एटम आइडेंटिकल नहीं होंगे। वाइसी वर्सा मतलब उल्टा, उस रूल का उल्टा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल। सिंपल सी बात है, ये इस इंसान का बेटा है, ये इस इंसान का बेटा, इनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं होगी। इसी तरह ये इस एलिमेंट का एटम है, ये इसका एटम है, तो इनकी प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली सेम, ना मास सेम होगा, ना साइज सेम होगा, ना शेप सेम होगी, ना प्रॉपर्टी कोई सेम होगी। तो नंबर थ्री। सो अब आगे चलते हैं हम, सो रूल नंबर फोर पे आते हैं। एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एटम्स सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूलर कंपाउंड, चाहे कोई भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कोई भी फ्लोरीन, ये सारे एलिमेंट्स हैं, इनके एटम चाहे सेम, एक ही एलिमेंट के दो एटम, सेम मीन्स एक ही एलिमेंट के दो एटम, या डिफरेंट एलिमेंट, या इस एलिमेंट का ये एटम और इस एलिमेंट का एक एटम। फिर से मैं बता रहा हूं, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, इस एलिमेंट के दो एटम, या इस एलिमेंट का एक एटम और इस एलिमेंट का एक एटम। फिर से मैं, इस एलिमेंट के दो एटम, या इस एलिमेंट का एक एटम और इस एलिमेंट का एक एटम, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, फिर मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनाते हैं। तो क्वेश्चन इज, कंपाउंड और मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं? कंपाउंड और मॉलिक्यूल तब बनते हैं जब एक ही एलिमेंट के दो एटम, या एक एलिमेंट का एक एटम और एक एलिमेंट का एक एटम, आइडेंटिकल सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम आपस में मिलते हैं, तो ये मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, आगे चल के इसी यूनिट में हमें पता चल जाएगा। फिलहाल आप रूल याद रखिए। नंबर फाइव और सिक्स जो है आपकी बुक पे लिखा है, वो आप खुद समझ लीजिए, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें जो है एक्चुअली उन दो लॉज को एक्सप्लेन करना है इसके बेसिस पे। तो इसके बाद है नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ ह्यूमन कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वाटर एक कंपाउंड है, अभी हमने पढ़ा कंपाउंड और मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, जब एक ही एलिमेंट के दो एटम, या एक एलिमेंट का एक एटम और दूसरे एलिमेंट के एटम आपस में मिलते हैं, तो ये भी रूल नंबर जो हम पढ़ रहे थे उसी हिसाब से एक कंपाउंड बना है। ये कंपाउंड जो है, इसके जो नंबर ऑफ एटम्स, मतलब हाइड्रोजन के दो है और ऑक्सीजन का एक है, जो नंबर ऑफ एटम्स है वो हमेशा क्या रहेंगे, फिक्स्ड। मतलब आप वाटर कोई कहीं से भी ले आओ, वाटर आप कहीं से भी ले आओ, हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन एक, यही तो बोलता है नंबर। सो नंबर ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड इज फिक्स्ड। पहला हम नंबर पढ़ रहे हैं, मतलब अगर हमारे पास कोई दिया गया कंपाउंड है, वाटर है, इसमें जो एटम्स है हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन का एक एटम है, हाइड्रोजन के दो एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम है। फिर से मैं बता रहा हूं, वाटर एक कंपाउंड है, H2O मतलब
हाइड्रोजन की दो एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम है या CO2 है, इसका मतलब कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के दो एटम है। सो दैट मीन्स ये जो वाटर है इसमें हाइड्रोजन के दो एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम है। आप ये कंपाउंड कहीं से भी ले आओ, कुछ जहां कहीं से भी, जिस जगह से भी ले आओगे वाटर, आप ये वाटर कहीं से भी ले आओ, किसी जगह से भी ले आओ, तो इसमें हाइड्रोजन के दो एटम होंगे और ऑक्सीजन का एक एटम होंगे। दैट मीन नंबर ऑफ एटम्स जो है फिक्स्ड है। इसी के साथ साथ एक और पॉइंट भी बता रहा है, काइंड ऑफ एटम्स, इसमें किस किस्म के एटम्स है वो भी फिक्स्ड होंगे। वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बना हुआ है, ये भी फिक्स्ड है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक। सो दैट मीन्स ये क्या बता रहा है, जो कोई कंपाउंड है हमारे पास, आप कहीं से भी ले आओ, किसी जगह से भी ले आओ, इसमें जो जिस एटम्स का ये बना होगा वो फिक्स्ड होंगे, चेंज नहीं होंगे। कहीं आप नहीं देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन, वाटर सिर्फ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बना होगा, ये चीज फिक्स्ड रहेगी, ऑलवेज फिक्स्ड। जिन एटम्स का ये बना हुआ है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये फिक्स्ड रहेंगे, ठीक। और जितने एटम्स का बना हुआ वो भी फिक्स्ड रहेगा, जिन एटम्स का बना हुआ ये भी फिक्स्ड है, जितने एटम्स का बना हुआ है ये भी फिक्स्ड है। अब चूंकि नंबर भी फिक्स है, काइंड भी फिक्स है, तो इन दोनों का जो मास बनेगा, रेशो बनेगा, तो यहां पे रेशो हाइड्रोजन 2 है और ये 1 है, तो इसी हिसाब से फिर हमें रेशो 1:8 बनेगा। क्योंकि जब नंबर फिक्स्ड है, काइंड भी फिक्स्ड है, ऑब्वियसली मास भी फिक्स्ड होगा। नंबर एंड काइंड फिक्स्ड है, तो जितने हिस्से इसके होंगे हाइड्रोजन के, उतने पहली बात हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होगा। फिर फिक्स्ड है, नंबर भी फिक्स्ड है, जितने हाइड्रोजन के हिस्से होंगे उतने ही ऑक्सीजन के हिस्से होंगे, ठीक। रेशो भी फिक्स्ड है, अब हमें क्या पता चला, नंबर भी फिक्स्ड है, काइंड भी फिक्स्ड है, सो रेशो, जिस रेशो में आप एक दूसरे के साथ मिलते हैं वो रेशो भी फिक्स्ड है, ठीक। अब चूंकि नंबर भी फिक्स्ड, काइंड भी फिक्स्ड, तो मास भी फिक्स्ड होगा, सो ऑब्वियसली मास रेशो फिक्स्ड होगा। जिस रेशो में ये मिलेंगे वो, इनका नंबर भी फिक्स्ड है, काइंड भी फिक्स्ड है, रेशो भी फिक्स्ड है, तो ऑब्वियसली मास भी फिक्स्ड होगा। सो दैट फॉर्मूला द सेकंड लॉ, व्हेनेवर टू एटम्स एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन कंपाउंड और ए मॉलिक्यूल, दे डू इन अ सिंपल फिक्स्ड रेशो, उनका रेशो फिक्स्ड रेशो बाय मास होता है, उनका मास रेशो फिक्स्ड होता है। ये लॉ सेकंड लॉ बता रहा था, पढ़ लीजिए वो, कि जब भी कोई कंपाउंड एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, दे डू सो इन ए फिक्स्ड रेशो बाय मास। तो यहां पे हमने पढ़ा इस पॉइंट के जरिए, नंबर फिक्स्ड है, काइंड फिक्स्ड है, तो जिस रेशो में मिलते वो फिक्स्ड है, और चूंकि नंबर एंड काइंड फिक्स्ड है तो मास भी फिक्स्ड होगा, इसलिए मास रेशो भी फिक्स्ड होगा, ठीक। इसी हिसाब से क्या होता है, ये दूसरा लॉ में एक्सप्लेन होता है। नाउ क्वेश्चन इज, एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर हमारे पास कोई भी मैटर है, मैटर बजाती खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, मैटर रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, जिनका ये बना हुआ होगा वो रिएक्शन में हिस्से लेते हैं। मैटर एटम उसका बना हुआ होता है, इसलिए एटम उस रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, एक एटम हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, ठीक। अब ये नहीं, हम कार्बन की बात कर लेते हैं, यहां फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट के एटम्स हिस्सा ले रहे हैं, ठीक। तो एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में एटम हिस्सा लेता है, ठीक। नाउ एंड एटम कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड, क्योंकि अगर हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन मैटर एटम है जो हिस्सा लेते हैं, मैटर खुद हिस्सा नहीं लेता, एटम हिस्सा लेते हैं, तो एटम टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, जो कि इससे नीचे कोई भी चीज रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगी, वो आप आगे चल के पढ़ोगे, ड्रॉबैक्स जब आप पढ़ेंगे एटम के अंदर क्या है वो आप आगे पढ़ोगे, वो हिस्सा नहीं लेंगे, एटम हिस्सा लेगा, एलिमेंट हिस्सा लेगा, कंपाउंड हिस्सा लेगा, मॉलिक्यूल हिस्सा लेगा, आयन हिस्सा लेगा, लेकिन सबसे छोटी चीज जो है एटम, उससे नीचे कोई चीज रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। इससे बड़ी चीज रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, मिक्सचर, आयन वगैरह जो भी है हिस्सा लेंगे, लेकिन एटम से नीचे जो चीज है वो हिस्सा नहीं लेंगे। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक। अब जब इसने केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिया, से फॉर एग्जाम्पल कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम ने केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिया, एन एटम, अब इसी के साथ दूसरा रूल है, एटम जो है, अब जब इन्होंने हिस्सा लिया, ना ये नहीं टूट गई, नाइदर बी डिस्ट्रॉयड,
कार्बन और ऑक्सीजन नहीं टूटेंगे ना और क्रिएट है ना कोई। अब आप सोचोगे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, नहीं, क्योंकि रूल बता रहा है कि नया एटम क्रिएट नहीं होगा और इन दोनों में से भी कोई डिस्ट्रॉय नहीं होगा। रूल क्या बताता है, एटम स्मॉलेस्ट चीज है वो रिएक्शन में हिस्सा लेती है, इससे छोटी चीज कोई रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती। सो दो एटम्स रिएक्शन कर रहे हैं तो एन एटम क्या नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना ये दो एटम टूटेंगे ना कोई तीसरी चीज रिएक्शन में वजूद में आएगी, जो कुछ भी होगा इनके साथ ही होगा। तो क्या होगा इनके साथ, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन है तो ये रिअरेंज हो सकते हैं, रिअरेंज, इनका अरेंजमेंट चेंज होगा। ऑक्सीजन इधर आएगा कार्बन उधर जाएगा, ऑक्सीजन ऊपर आएगा कार्बन नीचे आएगा, ऑक्सीजन इस साइड कार्बन इस साइड, कार्बन इस साइड ऑक्सीजन उस साइड, एक रिअरेंजमेंट होगा, इनका अरेंजमेंट चेंज होगा, मगर ना इनमें कोई टूटेगा ना कोई तीसरा एटम बनेगा रिएक्शन के दौरान। इन्हें रिएक्शन एटम हिस्सा लेता, इससे छोटी चीज हिस्सा नहीं लेगी और ना तो कोई तीसरा एटम इसमें नया बनेगा ना इन दो में से कोई टूटेगा, बस इनकी रिअरेंजमेंट हो जाएगी कार्बन। अब ना तो इनमें से कोई टूट जाता है ना तो कोई नया बनता है, दैट मीन इसका मास 2 ग्राम था, इसका मास 2 ग्राम था, 2 + 2 हो गया 4 ग्राम, रिएक्टेंट साइड में 4 ग्राम था। अब रूल बताता है ना इनमें से कोई टूटेगा, दैट मीन्स इसका मास 2 और इसका मास 2 ही रहेगा क्योंकि कोई डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ना यहाँ पे कोई तीसरा एटम बनेगा तो मास भी ऐड नहीं होगा, दैट मीन्स 2 + 2 = 4 ही रहेगा प्रोडक्ट साइड में। सो इस चीज से हमें क्या समझ आया, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, जितना दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, दैट वॉज द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अब ड्रॉबैक्स इसके जो है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।